नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय देश भर में एक ही स्लोगन दिखाई दे रहा है। स्लोगन आप पीछे से देख सकते हैं, डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड। जब से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, तब से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आक्रामक हो गई है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी के मुद्दे को पूरा घुमा रही है, डाइवर्ट कर रही है। जिस तरह से ओबीसी समाज की बात करके वो बता रही है कि राहुल गांधी ने एक समाज का अपमान किया था, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग प्रांत में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात लोगों के सामने रख रही है अपनी। और इसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज वसई में कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के पूर्व मंत्री नसीम खान जी ने रखी और क्या कुछ उन्होंने उसमें कहा वो देखिए आप आगे की पूरी फुटेज में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सर, क्या क्या कहेंगे आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में और विशेष तौर पर महाराष्ट्र में हर जिले में जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का झूठ, कहीं जात पात के नाम पर झूठ परोसा जा रहा है, कहीं राहुल गांधी जी के मुद्दे पर झूठा प्रचार किया जा रहा है, कभी ये कहा जाता है कि राहुल गांधी जी ने ओबीसी समाज का उन्होंने अपमान किया और ओबीसी समाज के लोगों की भावनाएं दुखी, इसलिए गुजरात के सूरत कोर्ट में अदालत के अंदर केस दायर किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि जो सच्चाई है वो देश की जनता के सामने आना चाहिए। राहुल गांधी जी पिछले कई सालों से देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, दो चार मुट्ठी भर उद्योगपतियों को देश की संपत्ति दी जा रही है, बेची जा रही है, सीमा की सुरक्षा जिस तरह से खतरे में है, चाइना हमारे देश में घुसते चला आ रहा है, उस पर कोई मोदी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो इस देश से संबंधित है, इस देश को बचाने के लिए संविधान पे खतरा मंडरा रहा है, लोकतंत्र कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए दिखा रहा है, तो ये तमाम सारी चीजों को लेकर राहुल गांधी जी जिस तरह से पिछले चार पांच सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले लोकसभा के अभी जो चल रहा लोकसभा का अधिवेशन है, उस अधिवेशन में जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में करने वाला उद्योगपति है अडानी, उस अडानी के और मोदी जी की सरकार के संबंध कैसे हैं, किस तरह के हैं, उन्होंने लोकसभा के अंदर फोटोग्राफ और उसका विद एविडेंस दिया, उसके बाद से ये तमाम सारी चीजें मोदी सरकार कहीं ना कहीं राहुल जी के ने जो मुद्दे उठाए हैं उससे डरी हुई है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं अदालत के जरिए गलत तरह के झूठे केस में फंसाकर उनकी सदस्यता को बर्खास्त करना, उनके घर खाली कराने के आदेश देना, राहुल गांधी परिवार को और कांग्रेस के लोगों को कोई सरकारी घर की चिंता नहीं है, राहुल जी का घर हर इस देश के नागरिकों के दिल में बना लिया है राहुल जी ने, तो इसलिए कोई घर की चिंता नहीं है। जो ओबीसी समाज के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भ्रम फैला रही है, झूठ परोस रही है कि राहुल गांधी जी ने ओबीसी का अपमान किया, ओबीसी के बारे में, ओबीसी समाज के बारे में बोला, तो मैं कहना चाहूंगा नीरू मोदी क्या ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं? और नीरू मोदी ने एक भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार करके इस देश का पैसा लेके विदेश चले गए हैं और उनको कहीं ना कहीं इस सरकार का समर्थन है, तो उसके खिलाफ अगर आवाज उठाना गलत है क्या? जहां तक ओबीसी का सवाल है, दूसरे समाज का सवाल है, कांग्रेस ने दो दो मुख्यमंत्री ओबीसी बनाए हैं, अभी आज हमारे जो दो मुख्यमंत्री हैं वो ओबीसी हैं, तो कांग्रेस महाराष्ट्र का कांग्रेस का जो हमारे अध्यक्ष है नाना पटोले जी, वो खुद ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी जात पात की पर कभी विश्वास नहीं करती है, सभी समाज, सभी जात, सभी मजहब, सभी धर्म को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, तो इस तरह से झूठ परोसना और जिस तरह से बदनाम करना एक भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से आदत रही है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, वही फिर वो कर रही हैं अपने असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार इस देश में जिस बड़े पैमाने पर पिछले 9 साल में हुआ है और किसानों की दुर्दशा जो हुई है,
बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी है, सीमा की सुरक्षा पर जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है, सीमा की सुरक्षा जहां तक हमारी सीमा में चाइना घुस चुका है, सैकड़ों मील घुस चुका है, ये तमाम सारे मुद्दे देश का लोकतंत्र है, संविधान है, केंद्रीय एजेंसियों में जो हस्तक्षेप किया जा रहा है सरकार का, वो तमाम सारी बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए सबको मिलजुल कर इस देश को बचाने की लड़ाई जो राहुल गांधी जी, खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के सभी नेता लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में जो रीजनल पार्टियों के नेता जो साथ दे रहे हैं, इसी के साथ साथ पूरी जनता ने भी इस लड़ाई में साथ में आना चाहिए, ये हम लोगों का मानना है। सर, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा अभियान से बीजेपी को कोई डर था? बहुत बड़ा डर है, डर था नहीं, डर है, डर रही है, डरी हुई है, इसीलिए तो राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए तो उनकी संसद की सदस्यता को रद्द करने का हड़बड़ा 24 घंटे के अंदर फैसला किया गया है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र को मजाक उड़ाया जा रहा है, इसीलिए राहुल गांधी से बीजेपी डरी हुई है। 2024 के आने वाले चुनाव में जो भी बीजेपी सरकार द्वारा जो राहुल गांधी के साथ किया गया है, उसमें कांग्रेस पार्टी को कितना बेनिफिट होगा? देखिए, सवाल कांग्रेस पार्टी फायदा और नुकसान नहीं देखती। कांग्रेस पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, मुद्दों की लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ी लड़ाई है इस देश को बचाने की, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की, इस देश के संविधान को बचाने की, इस देश के बेरोजगार नौजवानों को बचाने की, किसान को बचाने की, बढ़ती हुई महंगाई को रोकने की, ये सबसे बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट तल्ख टिप्पणियां करने लगी है, अभी हाल ही में उन्होंने दो सरकारों को नपुंसक कहा है, क्या कहेंगे? ये तो देश की जनता को अब समझना होगा। कांग्रेस पार्टी पहले से ही कह रही थी कि यही सरकार, यही जात पात के धर्म में, दो धर्मों में जिस तरह से भड़काऊ भाषण देकर और जिस तरह से ये माहौल खराब करते हैं, देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने की साजिश करते हैं, उनके पीछे बीजेपी, आरएसएस और संघ के लोग हैं, ये आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है। हाल ही में एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस जितनी जल्दी देश से समाप्त हो जाए उतना अच्छा है। देखिए, ओवैसी जी का जहां तक सवाल है, ओवैसी जी और भारतीय जनता पार्टी की दोनों की एक ही टीम है, वो एक ए टीम है, ये बी टीम है, तो दोनों मिले जुले हैं, नूरा कुश्ती सब जगह खेलते रहते हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचाते रहे। सर, किसी जमाने में यही बात केजरीवाल जी के संदर्भ में कही जाती थी, लेकिन आज केजरीवाल जी वो कांग्रेस के साथ खड़े हुए। देखिए, वो कांग्रेस के साथ, हमारे साथ उनका कोई अभी गठबंधन नहीं है, उन्होंने एक मुद्दे पर सपोर्ट किया है, जो मोदी सरकार ने राहुल गांधी जी के ऊपर जो कार्रवाई किया है उसको लेकर उन्होंने सपोर्ट में बयान दिया है, उसको हमने धन्यवाद दिया है। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786